नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। थाना नगीना में वादी अंकित कुमार उपखंड अधिकारी विद्युत विभाग उपखंड नगीना बिजनौर द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर पंजीकृत पुलिस द्वारा 73/21 धारा 307, 332, 353, 327, 504, 506 भारतीय दंड विधान बनाम एहतेशाम अली व एक अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए मुख्य अभियुक्त एहतेशाम उर्फ राजा को मयक अवैध तमंचे सहित 2 पुत्रगण अफसार अली, 3 तीसरा अभियुक्त आदिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि नगीना विद्युत कर्मचारियों द्वारा बिल की वसूली करने एहतेशाम के घर गए थे, जिसको लेकर मारपीट की गई थी। बताया गया है कि 15,500 रुपए का बिल जमा ना करने पर कनेक्शन काटने की बात की, तो एहतेशाम व अन्य लोगों ने जेई एसडीओ के साथ बंधक बनाकर मारपीट की गई थी। पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिजनौर जिला ब्यूरो शमीम अहमद की रिपोर्ट। नगीना थाने में विद्युत विभाग के एसडीओ एवं उनकी टीम बिजली चेक करने के लिए, जो बिजली बिल जमा नहीं किए थे, डिस्कनेक्ट करने के लिए गई थी। नगीना के कलानान मोहल्ले में एक जगह लगभग 15,000 रुपए बकाया होने की स्थिति में एक जगह उन्होंने बिजली डिस्कनेक्ट किया। इसी को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ और विद्युत के एसडीओ उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, काफ़ी देर तक बदसलूकी की गई, गला दबा करके मारने की कोशिश किया गया, तमंचे से गोली मारने की बात कही गई। इसी आधार पर सरकारी कार्य में बाधा 307 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 3 अभियुक्त जो प्रमुख अभियुक्त थे, एहतेशाम, सलीम और आदिल, तीनों सगे भाई हैं, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तमंचे के साथ में इन्हें जेल भेजा जा रहा है और कानून में इनका आस्था और विश्वास उत्पन्न हो, इसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है।